जेठालाल। रेडी भाई मालूम है। अजय रेड्डी भाई आ गए। काका नटू काका। हाँ 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 सेठ जी। और सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है। नटू काका कुर्सी लाइए चले। अरे नहीं निकलती सेठ जी, मिस्त्री को बुलाऊं, इतना टेबल काट देंगे ना तो आसानी से निकलेगी। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। बोलिए क्या लेंगे? पेमेंट। वो तो बराबर है, क्या है इसमें? ऐसे में दांत है, जो व्यापारी मुझे टाइम पर पेमेंट नहीं करता उसका दांत तोड़ के मैं इसमें रखता। इसका आवाज मुझे अच्छा लगता, तुम भी सुनो। नहीं इसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है। चलो चलो पेमेंट दो, मेरे को लेट होता। नटू काका रेड्डी भाई का पेमेंट रेडी है, दे दो। सेठ जी तो 9 लाख दे दू? 9 लाख नहीं 10 लाख। 10 लाख है नटू काका, क्या 9 लाख बोल रहे हैं आप, उसमें 10 लाख ही है, दे दो दे दो। अरे सेठ जी पूरे 10 लाख कहाँ है, 9 लाख ही है। क्यों 1 लाख कहाँ गया? क्यों क्या, 1 लाख आपके बापूजी लेके गए ना। कभी? अरे कभी क्या, रेडी भाई के आने से पहले बापूजी 1 लाख लेके गए, मैंने आपको बताया तो सही। बराबर बताया, वो मेरे बापूजी पिताजी का 1 लाख का कुछ काम था तो लेके गए, कोई बात नहीं, हो 9 लाख है वो लेके जाए, 1 लाख में आपको गल दे देता हूँ। जेठालाल बंद करो अपना नाटक, अपनी गलती छुपाने के लिए अपने बाप पर इल्जाम लगाते हो। आज रात 9 बजे तक पूरा पेमेंट चाहिए, नहीं तो कल तुम्हारे ये 2 दांत इसी डिब्बी में होंगे। हेलो मेहता साहब। जेठा तुम्हारा गला कैसे बैठा भाई, क्या हुआ तुम्हारी आवाज को जेठालाल? तेरा आवाज को मारिया कोहली। मेहता साहब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। टप्पू ने कोई नया गुल खिलाया, चंपक चाचा ने कुछ कर दिया है, बाबूजी ने। मेहता साहब एक पार्टी को 10 लाख रुपया रोकड़ा देने के लिए मैंने दुकान पर रखा था, तो बापूजी उसमें से 1 लाख रुपया गरीबों को दान करने के लिए बिना पूछे गले में से निकाल के लेके गए। बोलो अब यो पार्टी इतनी डेंजर है, खतरनाक है, वो तो मतलब दांत तोड़ती है, अगर वो पेमेंट टाइम पे नहीं मिला तो अभी आप ही बताओ मैं क्या करूं। बोलो ओहो जेठालाल इतना सब कुछ हो गया और अभी भी तुम दुकान में बैठे हो। खैर घबराओ मत, इसमें टेंशन करने जैसी कोई चीज नहीं है, सीधे घर जाओ और बापूजी को समझाओ। अरे थोड़ा सा रोना धोना करो, ड्रामा करने में तो तुम चैंपियन हो ही, क्या फर्क पड़ता है, निकालो थोड़ा आंसू बहाओ, करो ड्रामा, मान जाएंगे बाबूजी। कोशिश करता हूँ। ये क्या डप्पू, आज हम डिब्बा एक्सप्रेस खेलेंगे? नहीं आज हम इस डिब्बे में पैसे जमा करेंगे और फिर उन लोगों को देंगे जो बहुत जरूरतमंद है। अरे वाह टप्पू तुम ऐसा भी सोचते हो, तुम्हें पता नहीं है मैं सबसे ज्यादा गांधी जी को लाइक करता हूँ, उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई में कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है ना। अरे गांधी जी को लाइक करते हो तो उनकी बायोग्राफी पढ़ो, मारा सत्य ना प्रयोगो मेरे पास है, मैं तुम्हें दूंगी पढ़ने के लिए। ठीक है वो भी पढ़ूंगा, पहले सब अपनी पॉकेट मनी इसमें डालो। टप्पू मेरी नजर में भी एक जरूरतमंद है, क्या तुम उसकी हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स, कौन है वो? मैं हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो ना। अरे गोली पहले तू दूसरों की मदद कर, तेरी मदद अपने आप हो जाएगी। चलो सब लोग पैसे डालो। मोंगला विजो दया, दया। अरे ये आपकी आवाज को हो क्या गया है, ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कढ़ाई में कोई पत्थर घिस रहा हो।
दया, बापूजी आए घर पे। अरे बापूजी तो आ जाएंगे, लेकिन पहले आपकी आवाज का कुछ कीजिए। गलत है मैं तू? जॉक कर रही हूँ, हंसो तो सही। ए जॉक वाली, ये बता बापूजी किधर है? दादाजी यहाँ है। बोल भाई, क्या है? बापूजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे ये तेरी आवाज को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कढ़ाई में कोई पत्थर घिस रहा हो। अरे ले बापूजी, मैंने भी अभी शेम टू शेम ऐसे ही कहा था। चुप रहे ना, नॉनसेंस। बापूजी देखिए, ये आपने जो कुछ भी किया वो गलत किया बापूजी। अच्छा, तो मतलब अब तू तेरे बाप को सिखाएगा क्या सही है और क्या गलत है? अरे बचपन में ऐसा काकड़ी जैसा था, मेरे हिस्से का तुझे खिला खिला कर ऐसे बटाटा वड़ा जैसा बनाया, वो क्या ये दिन देखने के लिए? बापू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गल्ले में से पैसे आपने मतलब। अरे पर मैंने तो तुझसे पैसे मांगे थे ना, तूने तो मुंह पे ना बोल दिया था। अरे तुझसे ज्यादा संस्कार तो इस बच्चे में है। ये देख, उन जरूरतमंद लोगों के लिए इसने पैसे जमा किए हैं। और क्या तेरे पैसे मेरे पैसे नहीं है? तू क्या चाहता है, इस उम्र में मैं बाहर पैसे कमाने जाऊं, बाहर नौकरी करने जाऊं, ट्रेन और बस के धक्के खाऊं, किसी की गुलामी करूं? बापूजी, अरे मैंने ऐसा कब कहा बापूजी? अब कौन सी ट्रेन पकड़ के किधर पहुंच गए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो पैसे मुझे किसी को देने हैं। तो मुझे भी पैसों का विमान बनाकर उड़ाना नहीं है? ऐसे ऐसे ऐसे, अरे मुझे भी कुछ जरूरतमंद को देने हैं। इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत मुझे है बापूजी, मुझसे जरूरतमंद और कोई है? इसे गरम काढ़ा बनाकर पिला। जी बापूजी। ये बापूजी, अब तो ये कुछ एक न्यू इसकी दुख ऐ तो भी बापूजी। बस बस, अब रो मत, ठीक है? तुझे पैसे चाहिए ना? तो और किसी से मांग ले, मैं ये पैसे देने वाला नहीं हूँ। चल डब्बू। ये लीजिए ये काढ़ा, इसमें 4 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 10 ग्राम काली मिर्च, आधा भुना हुआ अदरक, 20 ग्राम अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप ये पी लीजिए, आपकी बैठी हुई आवाज 1 सेकंड में खड़ी हो जाएगी। ये मेरी माँ का अक्सर नुस्खा है। अरे लीजिए ना, अरे बहुत। देखिए अब क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात मानिए, आप ये ऑक्सी दवा पी लीजिए, बहुत अच्छी दवा है। ऐसा क्या करते हैं प्लीज, रिक्वेस्ट मेंशन। फोन कट हो गया। दया सुनाई दे रहा? दया, अरे हाँ। चलो इतना तो आवाज निकला, ठीक है? अच्छा सुन, वो रेटी का फोन था, वापस करेगा, उसको बोलना मैं हॉस्पिटल में हूँ। अरे मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, मेरा सुहाग तो मेरे सामने ठीक ठाक है। देख वापस आया, देख अगर तू उसे नहीं बोलेगी तो वो तेरा सुहाग को ठोक ठाक के हॉस्पिटल में पहुंचा देगा। बोल बोल उसको, जल्दी बोल। हेलो रेडी भाई है? तूने फोन किया नहीं है, उसका फोन आया है। हेलो रेडी भाई? नहीं वो तो हॉस्पिटल में है। हाँ? हाँ? बोल रहे हैं।
परेशानी, मुझे पता है जेठा सामने खड़ा है, ले उसको। अरे आपको कैसे पता चला कि मुझे? क्या कर रही है तू? ये मरवाएगी मुझे। ये फोन अभी ऑफ करके रखना पड़ेगा। अरे डोबी, डोबे 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 आरो डोबे डोबे। देखा देखा, आपकी आवाज खुल गई। कितनी अक्सर दवा है, मैं बचपन से पीती आई हूँ, इसलिए तुम्हारी आवाज ऐसी है। बाबू, ओ बाबू। हाँ बापूजी। हम लोग जा रहे हैं। जी बापूजी। टप्पू भी साथ में आ रहा है। अच्छा चल चल टप्पू। बापूजी। अरे जेठा, तेरी आवाज खुल गई। हाँ बापूजी। बोले आवाज खुल गई, कुछ बोलना मत, हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था बापूजी कि मुझसे गलती हो गई, आपसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। पैसा तो हाथ का मेल है, तो निच्छा में दुकड़म। बापूजी एक मिनट में आती हूँ। अरे आवाज जेठिया, लगता है तेरी आवाज के साथ साथ तेरी अकल भी खुल गई। बापूजी अगर आप कहे तो मैं आपके साथ चलूं। क्या? नहीं, वो इतने सारे पैसे हैं आपके साथ में तो। चल चल अबे, मेरी चिंता मत कर, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ वो तो है। बापूजी ये लीजिए 5,000 रुपए, आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो मेरी तरफ से 5,000 रुपए। अरे वाह बहू वाह, देखा जेठिया। चल डब्बू। ये 5,000 कहाँ से आए? वो आपके कपड़े धोते समय अक्सर आपकी जेब में से 50 रुपए मिल ही जाते हैं, तो उसको सुखा सुखा कर संभल कर रखती थी। ज्यादा खुश मत हो, अब से सारी जेब चेक करके दूंगा। मैंने कहाँ बताया? मेरे इलाके में तेरी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? मारो मारो। हाँ मारो, ले ले जाओ उसे, लॉकअप में बंद कर दो। काले साहब। बोलो गोरे। अभी अभी खबर है कि हमारे एरिया में फिर एक बार चोरी हो गई साहब। व्हाट? हाँ वाट तो लग गई साहब। यहाँ मेरे प्रमोशन की बात चल रही है और अपने ही इलाके में चोरियों पे चोरियां हो रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग आखिर में? अगर ऐसा ही रहा तो इस बार भी मेरा प्रमोशन गया। वो तो गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उस चोर को हमें हर हाल में पकड़ना ही होगा। यस सर। एक काम करो, अपने इलाके के सारे खबरियों को इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए लगा दो, समझे? यस सर। ये लो भाई, ठीक है। अरे सेठ जी आप आ गए। अरे सेठ जी, अरे आओ भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई आ गया। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें तो दिखाई नहीं देता ना। सेठ जी, कुछ लोगों की प्रतिभा इतनी तेजोमय होती है कि चक्षु न होते हुए उनके आने पर उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाता है। अब भाई तुम क्या बोले समझ में तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा। और बच्चों कैसे हो? हैं? कपू एक काम कर बेटा, ये सामने की दुकान से इन बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आ। हैं? जी दादाजी। हाँ हाँ, कैसी है बिटिया? ये लो भाई, ये तुम्हें इसकी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे ना। हाँ ये लो। हाँ शुक्रिया सेठ जी। सेठ जी हाँ, मुझे भी थोड़ा पैसा दे दीजिए, मुझे भी दांत बनाना है। दांत बनवाने हैं? लो भाई लो, तुम भी रखो। भगवान आपका भला करे, कभी आपका दांत ना टूटे। साफ साफ साफ, उस चोर के बारे में पता चल गया है, 60-65 साल का बुढ़ा आदमी है सर। बोलो भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? शेठ जी मुझे भीख नहीं चाहिए। तो थोड़े पैसे उधार दे दो, मुझे वड़ा पाव की लारी डालनी है, कुछ दिन बाद मैं पैसे लौटा दूंगा। अरे वाह,
बोलो कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, 10,000 तक चलेंगे। हो जाएगा? हाँ। ये लो 10,000 बस। वो जहाँ भी जाता है ना तो समाज सेवक बनकर चोरी करता है। हाँ देखिए, समाज सेवक यहाँ है इसलिए तो हम जिंदा है, नहीं तो कब के मर जाती। अरे अरे सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं? ये आपको बेवकूफ बना रहा है, ये कोई लाड़ी नहीं डालेगा। अरे एक नंबर का जुआरी है, जुआरी। तुम जुआ खेलते हो? सेठ जी, ये सबसे बड़ा शराबी है। और तुम शराब पीते हो? जुआरी तो उस समाज सेवक को मैं पकड़ूंगा और मेरा प्रमोशन पक्का। हेलो इंस्पेक्टर काले हियर। इंस्पेक्टर काले, आपके एरिया में चोरी हो गई है। व्हाट? यस, जल्दी पता करो कौन है वो चोर। ठीक है सर। ओवर एंड आउट। ओके ओवर। अरे जाओ जाओ यहां से। अरे चाचा, अरे जाओ जाओ। अरे तुकाराम, गाड़ी स्टार्ट करो, पीछा करो इनका। अरे जाओ यहां से, देखो नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे अरे छोड़ो, अरे मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ, छोड़ दो छोड़ दो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे अरे मुझे, अरे टप्पू कहाँ है? टप्पू चलो इसे पुलिस। कौन टप्पू? अरे मेरा पोता है। दादाजी कहाँ चले गए? तुम्हें मैंने गिरफ्तार किया है और भी चोरी के जुर्म में, इस समय पुलिस स्टेशन चलो। मेरे दादाजी थे वो कहाँ गए? अरे तेरे दादाजी ने मुझे कम पैसा दिया और इसको ज्यादा पैसा दे दिया। अरे मेरी बात सुने। कुछ नहीं सुनना, जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन पे कहना। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे? कुछ नहीं, जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन पे कहना। अरे मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे जाने दो? अरे मेरा टप्पू मेरी राह देख रहा होगा। बहुत हो गया था टप्पू सप्पू का नाटक। देख अब मैं जो तुझसे पूछूं उसका सच सच जवाब दे। देख बहुत बड़ी तकलीफ पड़ जाएगा तू। अरे कितनी बार बोलूं कि मैं चोर नहीं हूं? अरे मैं गरीबों में पैसे बांटने गया था, समाज सेवा करने गया था, समाज सेवा। सर इंफॉर्मेशन चाहिए, चोर समाज सेवक बनने का नाटक करता है। सर आपका प्रमोशन पक्का। अच्छा ये बता, ये समाज सेवा के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? अरे तुम एक ही सवाल कितनी बार पूछते हो? इतनी बार तो बता चुका हूँ कि वो पैसे मेरे बेटे के हैं। ये पैसे तुझे तेरे बेटे ने दिए थे? नहीं, मैंने उसके गले से निकाले थे। देखा गोरे, ये अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ता है। ये काम करे इंस्पेक्टर, मेरे जेठा को फोन लगा तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ। गोरे फोन लगाओ, नंबर बोलो। हाँ लगाओ, 98-200-521। सर स्विच ऑफ आ रहा है। करका लाइन नंबर बोल। 2-800-65-65। सर ये भी फोन बंद है, इसका मतलब दोनों फोन में गड़बड़ा है। सर आपका प्रमोशन कंफर्म। ये जेठा भी कभी काम में नहीं आता। आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो हमारा घर अब यही है। अरे इसको पहले अंदर डालो। कुछ नहीं सुनना, वहाँ कल लेके जा रहे हैं। कल सवेरे कहेंगे। क्या चौक चौक करता है बाबू चाक? टप्पू के पापा सुनते हो? नहीं, टप्पू के पापा सो रहे हैं। ठीक है, दरवाजे पर रेडी भाई खड़े हैं, उनको अंदर बुला लेती हूँ। क्या रेडी आया? तूने बताया तो नहीं मैं घर में हूँ। अरे कोई नहीं आया, देखा कैसे उल्लू बनाया। नॉनसेंस, ऐसा मजाक मजाक में किसी दिन मेरी जान चली जाएगी। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, बापूजी और टप्पू अभी तक नहीं आए तो आते होंगे, और कुछ होगा तो फोन करेंगे। ले
फोन कैसे करेंगे? वो रेडी भाई के डर से आपने घर का फोन और मोबाइल दोनों बंद करके रखे हैं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। चालू कर, चालू कर। पापा, 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 दादाजी गुम हो गए। क्या गुम? क्या क्या बोल क्या रहे तू? गुम मतलब कैसे, क्या, कब? हम जब वहाँ दान कर रहे थे तब दादाजी ने मुझे कहा कि वहाँ के बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आ, और जब मैं चॉकलेट लेके वापस आया तब वहाँ पे दादाजी नहीं थे, और वहाँ पे दादाजी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। माताजी, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं मेहता सबको लेके अभी जाता हूँ। जल्दी आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। शांति रखो, खोलता हूँ। कौन है? मेहता सर। जेठालाल, इतनी रात गए, क्या हुआ? मेहता सर, वो बापूजी टप्पू के साथ वो गरीबों का लाख रुपए बांटने गए थे ना। हाँ हाँ। तो टप्पू तो वापस आ गया, लेकिन बापूजी का कहीं अता पता नहीं है। क्या कह रहे हो? कोई नाराजगी चाचा जी की? तुम्हारा चाचा जी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे नहीं मेहता साहब, झगड़ा हुआ होता तो बापूजी मुझे घर से बाहर निकाल देते। झगड़ा भी नहीं हुआ? मुझे तो चिंता हो रही है, एक तो इतने सारे पैसे उनके पास, कहीं कुछ। बिल्कुल नहीं जेठालाल, अशुभ सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, अभी ढूंढने चलते, ठीक है? हाँ। तुम एक मिनट ठहरो, मैं आता हूँ। अच्छा। सर, चाय पीजिए। सर, आखिर आपने चोर को तो पकड़ लिया। सर, मुझे भूलना नहीं, आपका प्रमोशन तो पक्का। अरे तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? पागल हो, पागल, तुम दोनों पागल हो। ये भाई है, इसको इंस्पेक्टर किसने बनाया? ये तो चपरासी बनने के भी लायक नहीं है। गौरे। यस सर। इसको चुप करा। हाँ। इसके खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि अब इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अरे चुप हो ना भैया, इनका प्रमोशन हो जाएगा तो आपको भी मिठाई खिलवाऊंगा यार। अरे जा जा। अरे तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सुन लो एक बात, अगर मेरी बहू और पोते को पता चल गया ना तो तुम लोग बहुत पछताओगे। ए चुप है ए पुरानी हवेली के चैट, कब से तेरी पक 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 सुन रहा हूं मैं। चोरी की है ना तो इसमें नौटंकी करने की क्या जरूरत है? हां देख, चोरी का माल कहां है बता दे, अपू ने ना थोड़ा माल इसको देंगे, बाहर निकलेंगे और ऐश करेंगे। थोड़ा नजदीक आ। बुजुर्ग से ऐसे बात करते हैं है? और पुलिस वाले को रिश्वत देने की बात करते हैं? अरे आज तू उसकी आदत बिगाड़ेगा तो कल किसी और से मांगेगा। अरे इस तरह तो कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाएंगे। अरे ऐसी कैसी बात कर रहा है अंकल, तूने भी तो चोरी की है ना। साबित हुआ मैं चोर हूँ वो साबित हुआ? अरे पुलिस वाले तो बोल रहे हैं ना। पुलिस क्या न्यायाधीश है? अंकल मुझे माफ कर दो, अब गलती नहीं होगी। अरे साहब, ये बुड्ढा बहुत पोछा लगता है, ये गुंडे इनके पैर पड़ रहे। माफ कर दो अंकल। सर, आपका तो प्रमोशन पक्का। थैंक्स गौरे, थैंक्स। एक काम करो, क्या जल्दी से जल्दी इसकी फाइल बनाओ और इसकी फोटो खींचो। यस सर। क्या हुआ मेहता साहब, मिला बापू जी? पूरा बस स्टैंड छान मारा जेठालाल, कहीं नहीं है। तो कहाँ चले गए बापू जी? तुम तो हिम्मत रखो जेठालाल, अगर तुम ही टूट गए तो दया भाभी और टप्पू को कौन समझाएगा? सच कहूँ तो मेहता साहब, मुझसे ज्यादा हिम्मत वाले तो वो दोनों हैं। आज बापू जी नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेले में खो गया हूँ। मैं कभी बोलता नहीं हूँ मेहता साहब, लेकिन मैं बापू जी से बहुत प्यार करता हूँ। आज उनकी डांट सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे। कभी कभी तो मैं उनकी डांट खाने के लिए गलतियां करता हूँ। ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है मेरे दोस्त, और वो भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं इसलिए डांटते हैं इतना। तुम ऐसे क्यों चले गए हो? जेठालाल, वो कहीं नहीं गए हैं, हम तो ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ हो, वो किसी मुसीबत में नहीं फंसे हो। ना, ना, ना। उसके घर देर है, अंधेर नहीं है, वो जरूर मिल जाएंगे। भगवान, मेरा बापू जी, मेरे बापू जी को सही सलामत रखना। कुछ नहीं होगा चाचा जी को जेठालाल, वो जरूर मिल जाएंगे। चलो हम उन्हें ढूंढते, आओ।
बापूजी। अरे यहाँ कैसे होंगे बापूजी? एक मिनट। बापूजी, बापूजी। चाचा जी, क्या है? कौन है तुम लोग? चैन से सोने दो ना। माफ करना, असल में इनके पिताजी खो गए और हम उन्हें ढूंढने निकले थे, और वो आप जैसे दिखते हैं इसलिए थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। बाप को ढूंढने निकला है? जी। अरे वाह, बहुत नसीब वाला है तेरा बाप जो बेटा उसे ढूंढने निकला है, वरना आजकल के बच्चे शादी होते ही बाप को घर से बाहर फेंक देते हैं। जा, मेरी दिल से दुआ है तुझे तेरा बाप मिल जाएगा। अब चैन से सोने दे। चलो जेठालाल। बता साहब, अभी किधर ढूंढे बापूजी को? घबराओ मत जेठालाल, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट कर देनी चाहिए। आसान सांगतो मी, काटे नहीं तो साहब अलग में सगा सांगतो देना। बार सर, ओके। ए, ए, ए अवलदार, इधर मच्छर बहुत है, अगरबत्ती भेज। और सुन, एक दो गद्दे भी भेज, ऐसे नींद नहीं आएगी। अरे गद्दे कहाँ से लेके आओ, जब से आया दिमाग खराब किया है, अंदर आके पैर दबाओगे तेरे? हाँ तो और भी अच्छा है। अबे चल, चल जाके सो जा। भाई ये सफेद बाल की दुकान बहुत डेंजर लग रहा है, देखो पुलिस वाले कैसे बात कर रहा है। अरे क्या हुआ, बैठो बैठो। नहीं आप बैठो, इधर बैठो। नहीं हम यही ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? जग्गू। मेरा चुन्नू। क्या काम करते हो? बाइक चुरा के उसके ओरिजिनल पार्ट बाहर निकाल के डुप्लीकेट अंदर डालता है। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का क्या है, 10-15 हजार तो छा भी लेते हैं। और जेल में कितनी बार आते हो? साल के 6 महीने भाई जेल में ही रहते हैं। मतलब घर में माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है ना? है ना, एक बीवी, 2 कैलेंडर, बेटी छोटी है, लड़का स्कूल जाता है, वो भी इंग्लिश मीडियम। अरे तो उसे क्यों पढ़ाता है, उसे भी चोर बना दे। और तू जब जेल जाता होगा तब तेरी बीवी तो बड़ी खुश होती होगी ना, है ना? और तेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी तय हो जाएगी, तब सब लोगों से क्या जवाब देगी है कि मेरा बाप चोर है, चोर, वाह वाह वाह। नहीं नहीं एक काम कर भाई, उससे अच्छा है तू उसकी शादी है ना किसी गुंडे मवाली से करवा देना है। अंकल क्या बात कर रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ ना, इसलिए तुझे कड़वा लग रहा है। अरे जरा सोच, तू जब किसी दिन जेल में होगा तब तेरे घर चोरी होगी, तब तेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, तब तू क्या करेगा? बोल बोल क्या करेगा? ऐसा हुआ ना, अपन जेल से बाहर निकल के उस चोर को पकड़ेगा और उधर ही मार डालेगा। उस हिसाब से तो तुझे भी मार देना चाहिए। अरे जरा सोच, आज तक तूने कितने बच्चों के मुंह से निवाले छीने होंगे, अरे कितने गरीबों के आंसू बहाए होंगे, कितनों की बददुआ ली होगी। अरे भाई तेरे में इतना अच्छा हुनर है, अरे तो तू कोई गैरेज वैरेज क्यों नहीं खोल लेता? अरे 30-40 हजार तो महीने का यूं ही कमा लेगा, और इज्जत कमाएगा वो अलग से। अरे तेरे बच्चे सीना तान के कह पाएंगे कि वो देखो ये मेरे पापा का गैरेज है, मेरे पापा का। क्या बात कही अंकल, लेकिन अंकल गैराज खोलने के लिए पैसा लगेगा ना? अरे तू उसकी फिक्र तू क्यों करता है, अरे मेरा बेटा तुझे पैसा देगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। तो वादा कर, आज के बाद तू कोई भी गलत काम नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ। अभी तक बापूजी नहीं आया, ना ही टप्पू के पापा का फोन आया। हे माँ, माता जी, मैं कसम खाती हूँ जब तक बापूजी नहीं मिलेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं भी कसम खाता हूँ, जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक मैं खेलने नहीं जाऊंगा। पापा आ गए आप, बापूजी कहाँ है, कहाँ है बापूजी? दया, आप दया बोल के रुक मत जाइए, बापूजी मिले कि नहीं बोलिए ना।
भैया हमने बापूजी को हर जगह ढूंढा लेकिन बापूजी कहीं नहीं मिले। माता जी तो अब भाभी आप चिंता मत करिए, चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखा दी है। जेठालाल मैं आज ऑफिस से भी छुट्टी ले लेता हूँ, और हाँ थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम फिर से पुलिस स्टेशन चलते हैं, ठीक है? पता नहीं बापूजी किस हाल में होंगे, अभी यहाँ होते तो मुझसे अदरक वाली चाय मांगते। अरे वो इंस्पेक्टर, मेरे लिए एक अदरक वाली चाय भेज। इधर क्या होटल खुला है क्या? और बहुत बोलता है तू, पहले का रेडियो पे काम करता था क्या? जा जा अबे। भाभी आप प्लीज रोइए मत, मेरा तो जी कर रहा है कि मैं आज आपके चरण छू लूं। आज का दौर जहाँ पे सास और बहुएं आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन है, सास बहुओं के झगड़े बिल्कुल आम है, वहाँ आपने अपने ससुर के न मिलने तक अनाज छोड़ने की कसम खाई है, क्या बात है? नहीं बेटे साहब, आपने गलत बोला, मैंने अपने ससुर के लिए नहीं अपने बाबूजी के लिए कसम खाई है। ये आप जैसी बहुएं ही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी मिसाल है। वाह क्या बात है, चलिए माता साहब निकल। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो थोड़ा इमोशनल हो गई है, चलो हम चलते हैं। पापा ये दादाजी की फोटो साथ में रखिए। अरे लेकिन टप्पू इसमें बापूजी के साथ में हम तीन भी है, तो लोग बापूजी को ढूंढने की जगह पे हम तीन को बार बार पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, ये रख ये नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल तक न्यूज और मैं हूं रीटा रिपोर्टर, और मैं इस वक्त खड़ी हूं आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में, और हमें खबर मिली है कि वो चोर जिसने चुराई है सब लोगों की नींद, मिस्टर नटवरलाल, वो पकड़े गए हैं। याद रखिए ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले हम और हमारा न्यूज चैनल, जो कल की खबर आज पहुंचाता है। चलिए मिलते हैं इस पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर काले से। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमें सुनने में आया है कि आपने उस खूंखार चोर को पकड़ लिया है जिसने पूरे मुंबई को दहशत में डाल रखा था। हाँ हाँ ये बात सच है, इसको पकड़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। चंता चैन की नींद सो सकती है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या आप हमारे दर्शकों को उस दरिंदे का चेहरा दिखा सकते हैं? ए रिटायरी, उन्होंने चोर को नहीं मुझे पकड़ा है। अरे चंपकलाल जी, अरे ये तो चंपकलाल है, ये कैसे हो सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब ये चोर नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता, इसके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। अरे लेकिन ये तो अच्छे घर से है। बोल बोल उसे। चोरियां करके अच्छा घर बनाया होगा, वरना आप हमें देखिए, हम ईमानदार हैं, आज भी हम भाड़े के घर में रहते हैं, सरकार हमें 10,000 पगार देती है। अरे भाई पुलिस का पगार बढ़ना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन मैं चोर हूँ ये बात गलत है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये तय करना कोर्ट का काम है, आप सिर्फ रिपोर्टिंग कीजिए। आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तो देखा आपने लोगों, कैसे ये भोला भाला इंसान मुखौटा लगाकर पूरे समाज को लूट रहा है। ए रिटायरी क्या बोल रही है, चुप रहे, और सुन मैं यहाँ पर हूँ, ये खबर मेरे घर तक पहुँचा दे। चिंता मत कीजिए, अब ये खबर हर घर में पहुँच जाएगी, आप देखते रहिए कल तक। कौन है वो शातिर चोर जिसने मचाया है पूरे शहर में शोर, आज तक जिसका किसी को नहीं था पता, कल तक देगा आपको सब कुछ बता। जी हाँ कल तक में हम आपको दिखा रहे हैं उस चोर की तस्वीर, ये देखिए। देखा आपने, इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। आप इसके भोले चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि ये इंसान कोमल आपके दांतों में लगा कोमल घड़ी। नहीं नहीं नहीं, और नाश्ता नहीं मिलेगा। अरे तुम इसी तरह नाश्ता करते रहोगे ना तो लंच टाइम तक नाश्ता करोगे। अरे मैं नाश्ते की नहीं, टीवी देखो टीवी। कोई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इसे पकड़ लिया है और अभी आदर्श नगर के पुलिस स्टेशन में बंद। टीवी पे चंपक चाचा आ रहे हैं और ये सब बोल रहे हैं कि चंपक चाचा चोर है। अब हमें ये देखना है कि इसके घर वाले क्या करते हैं, क्या पुलिस इसे सजा देगी या नहीं? नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं मानती, चंपक चाचा इसे कर ही नहीं सकते। कोमल हमें जेठालाल के घर जाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम भिड़े भाई को फोन करो। ठीक, अगर अगली बार तुम्हारे घर से मुझे कंप्लेंट आई कि तुम पढ़ाई करते वक्त टीवी देखते हो तो मैं तुम्हें क्लास में मुर्गा बना के खड़ा कर दूंगा, समझे? हंसो मत, पढ़ाई करो।
तुम क्या खड़े हो, बैठ जाओ। टीवी टीवी टीवी, दिमाग खराब कर दिया इस टीवी ने। टीवी देखना बहुत बुरी आदत है, ज्यादा टीवी देखने से चश्मा लग जाता है। हाँ आती भाई बोलिए, जरा जल्दी बोलिए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप टीवी चालू कीजिए जल्दी। आती भाई मैंने अभी अभी बच्चों को डांटा है कि पढ़ाई करते वक्त टीवी देखना बुरी आदत है। मैं कार्टून चैनल देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल तक न्यूज चैनल देखने की बात कर रहा हूँ। चंपक चाचा टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा हाँ मैं देखता हूँ। माधवी जरा टीवी लगाना। क्या हुआ? तुम लगाओ तो सही, और वो कल तक न्यूज चैनल लगाना। लेकिन सर टीवी देखो। ध्यान से देखिए, इस चोर का नाम है चंपक लाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था, मगर अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये चोर पकड़ा गया है। हकू भाई, और ये चोर अब सलाखों के पीछे। देखा, पुलिस इसके नाम बड़े और दर्शन खोटे, दान धर्म करने निकले। चंपक लाल जी का नहीं हो, चंपक चाचा ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं। लग के कुछ गड़बड़ है। आप एक काम कीजिए, जेठा भाई के घर जाइए जल्दी से जल्दी, मैं ट्यूशन लेती हूँ। अच्छा सुनो, बच्चों को किताब पढ़ाना, अचार बनाना मत सिखाना। तपो मैंने बोला ना, यह फोटो नहीं चलेगी बेटा। लेकिन पापा, तू जीत मत कर, हमें देर हो रही है। जेठालाल घर पर ही है। मतलब आप लोगों को भी पता चल गया? वो पता तो चले गए ना यार, टीवी पे जो आ गया। चंपक चाचा खो गए, ये खबर टेलीविजन पे आ गई है। चंपक चाचा खो गए नहीं, चंपक चाचा चोर है, ये बात टीवी पर आ गई है। ए, भीड़े भाई, देखिए भीड़े भाई, मैं टप्पू के पापा को अपन सहन कर सकती हूँ, लेकिन बाबूजी को अपन हर दिन सहन नहीं कर सकती। जेठालाल गुस्सा कंट्रोल करो, वरना बीपी बढ़ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बिकॉज बीपी इज ए साइलेंट किलर। बीपी बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, घट जाए तो भी प्रॉब्लम, घट जाए तो शिकंजी पीनी चाहिए, और बढ़ जाए तो। अरे हाथी भाई, वो प्रिस्क्रिप्शन बाद में देना। डब्बू पहले टीवी ऑन कर, बाद में बताता हूँ। इस चोर का नाम है चंपक लाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 70,000 का कैश बरामद किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था। ये रिटायरी को मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं, उसका छोटा पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के आकाश में फेंक दिया ना, तो मेरा नाम दया नहीं। देखा जेठालाल, अरे हमें कोई शौक नहीं है ऐसी बातें फैलाने का। अरे भिड़े छोड़ो ना ये सब, चलो अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो जल्दी चलो। हाँ चलो एक मिनट टप्पू बेटा, तुम्हारा बेट तो ले लो। दया क्या बैठ ले लो, मारा मारी करने नहीं जा रहे हैं, बापू जी को पुलिस स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। एक काम करो, तुम और टप्पू इधर ही रहो घर में। पापा मैं भी आऊंगा दादाजी को छुड़ाने। टप्पू बेटा, घर में एक समझदार आदमी का रहना बहुत जरूरी है। चलो भैया, बता रहा था वो बीपी जो है ना। अरे चलो यार भाई, जरा जल्दी जल्दी। जेठालाल, जेठालाल तुम कल रात पेमेंट देने का प्रॉमिस किया, फिर गायब हुआ। तुमको फोन लगाता, तुम्हारा फोन बंद आता। देखो जेठालाल, हमने बोला था हमको पूरा पेमेंट नहीं मिला तो तुम्हारा ये दो दांत जेबी के अंदर होगा। देखिए आपका बात सही है, लेकिन वैकन कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सुनेगा। अरे एक मिनट भाई साहब, आप बात समझने की तो कोशिश करो। तुम अगर बीच में आएगा, तुम्हारा भी जो दांत डिब्बी के अंदर होगा। ओए तू आदमी है या पजामा? तेरे को दिखता नहीं जेठापुरा कितना परेशान है? वो कल रात से उनके पिताजी जेल में है, बात करता है दांत तोड़ने की। क्या बोलता? वो सच बोलता, लेकिन तुम कहां सुनता? कल मैं आपको समझा था कि बापूजी गले में से पैसा निकालता, मैं फंसता। अभी आज बैंक खुलता तो उसमें से पैसे निकाल कर तुमको देता भाई। बात समझ में आता? आता, हमको सब समझ आता। हम सॉरी बोलता। क्या सॉरी बोलता?
देखो रेड्डी भाई, धंधा है ना विश्वास से होता है। आप ऐसे हमारा हमारी की बात करेंगे ना तो मुझे नहीं खेलना है, मतलब मुझे धंधा नहीं करना है। देखो जेठालाल, हम आज तक किसी को नहीं मारा है? लेकिन लोग हमारा पैसा नहीं देता, इसलिए हमको ये नाटक करना पड़ता। इसमें असली दांत नहीं, इसमें नकली दांत। जाओ अपने बाबूजी को छुड़ाओ और हमको पेमेंट बाद में देना। थैंक यू रेड्डी भाई, थैंक यू। आश मैं तो साहब बहुत लेट हो गया, चलो चलो। एक मिनट। अरे हम सब लोगों को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, अगर इतने सारे लोग एक साथ गए तो बिना बात का तमाशा होगा। बराबर है ना। हाथी भाई, भीड़े हैं, सोटी भाई। समझ गया, आप दोनों यहाँ रुकिए, हम लोग पुलिस स्टेशन होके आते हैं। चल पिड़ेपड़ा। अरे भाई क्या समझ गया, अरे आप तीनों यहाँ घर पे रुकिए, मैं और जेठालाल पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है? चलिए चलो चलो। इधर क्या है? इसमें तुमने आज तक जितनी भी चोरियां की हैं उसकी सारी डिटेल्स हैं, इस पे साइन कर दो। साइन नहीं आती तो फिर अंगूठा लगाओ। ये लो। क्या अंगूठा लगाऊं? अरे जाओ, जाके पहले उन नेताओं का अंगूठा लेकर आओ जो झूठे वादे करके जीत जाते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं। उन अफसरों का अंगूठा लेकर आओ जो वर्दी को बदनाम करके रिश्वत खाते हैं। उन देशद्रोहियों का अंगूठा लेकर आओ जो हमारे देश में रहकर आतंकवादियों की मदद करते हैं। अरे पहले उन लोगों का अंगूठा लेकर आओ जो गुनाह करते हैं और फिर पैसे देकर छूट जाते हैं। है? इतने सारे अंगूठे कहाँ से लेके आएंगे? सर आपका तो प्रमोशन गया। शट अप। तुम सीधी तरह से अंगूठा लगाते हो या नहीं? ओ इंस्पेक्टर साहब, अगर अंकल को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा, पहले बोल देता हूँ मैं। छोड़ो साहब, ये बुढ़ा भूत चैप्टर निकला है, अंदर अपनी गैंग बना लिया है सर। तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? मैं आपके बारे कितना परेशान हो गया था। नालायक, तेरा फोन क्यों मना रहा था? बापूजी ये गाली का प्रोग्राम हम घर जाके करते, अभी आप बाहर आइए। इंस्पेक्टर साहब ये चोर नहीं है, ये मेरे बापूजी है, छोड़ दीजिए इनको। अच्छा तो तुम ही वो नालायक बेटे हो जो अपने बूढ़े बाप को खर्चे के लिए पैसे नहीं देता, आज तुम्हारी वजह से ये चोर बन गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और आपके पास कोई सबूत है कि ये चोर है? गौरे, यस सर, ये सबूत है? ये तो आपका ही आदमी है, ये सबूत नहीं चलेगा, कोई और सबूत दीजिए। ये खुद सबूत नहीं है, ये सबूत बताएगा। हाँ अच्छा, काले साहब ने इनको रंगे हाथ पकड़ा था जब इनके हाथ में नोटों का बंडल था। अरे वो नोटों का बंडल मेरा ही था, बापूजी ने मेरा ही गल्ला सा चुराया था, मतलब लिया था। बयान बदलने की कोशिश मत कर, अभी अभी तुमने कहा ना कि इन्होंने गले से पैसे चुराए थे। देखिए आप ये अन्याय कर रहे हैं, और आप जानते नहीं कि मैं एक लेखक हूँ, अखबार में लिखता हूँ, अगर आपके इस अन्याय के खिलाफ लिख दिया ना मैंने तो वर्दी उतर जाएगी आपकी, कलम की ताकत नहीं पता आपको। पुलिस स्टेशन में खड़े हो गए, पुलिस को तू धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, अरे आप तो गर्म हो गए हैं साहब। अरे साहब के लिए ठंडा लेके आओ। क्या? अरे अपने लिए भी लेके आओ। मेरे लिए भी? अच्छा आप पियेंगे? अच्छा दो तीन चार, चार ठंडा और बापूजी अदरक वाली चाय पियेंगे। हाँ जाओ। मेरे को क्या वेटर समझा क्या? अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में कैश दे देंगे। इंस्पेक्टर साहब मैं क्या बोलता हूँ, अभी थोड़ा वो हम लोग ले दे के समझ ले रहे, बाबूजी को छोड़ दो। ये बाबू चाक, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण दे रहा था और अभी तो मुझे छुड़ाने के लिए इसे रिश्वत दे रहा है। यस सर, पुलिस को रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार करो, चले क्या उसको। अरे क्या कर रहे हैं मेहता साहब? इंस्पेक्टर साहब आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप मेरी कलम की ताकत नहीं जानते, मैं ऊपर तक लिखूंगा। किसकी भी कलम तोड़ा, बार बार एक कलम की धमकी दे रहा है। बहुत सारी कलम, हर कलम से लिखूंगा। आजाद देश है ये, किसी की आवाज दबा देंगे क्या? अरे लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र है। बापू जी को छुड़ाने काम नहीं करूंगा आपके खिलाफ। शांत शांत हो जाइए, बापू जी को छुड़ाए। आजाद देश में ये हो रहा है। हेलो सेठ जी,
मैं टीवी में बापूजी के बारे में क्या देख रहा हूँ? अरे नटू काका, मैंने आपको कितनी बार बोला है, दुकान में जो टीवी है वो आपके देखने के लिए नहीं है, वो बेचने के लिए है। आप टीवी छोड़ो और दुकान का ध्यान रखो। नहीं नहीं सेठ जी, ये सब देख के मुझे बहुत धक्का लगा है। अगल बगल वाले लोग पूछने आए बापूजी के बारे में, उससे पहले मैं दुकान बंद करके घर जाता हूँ। अरे नटू काका, दुकान बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ए मोबाइल बंद कर, लॉकअप में मोबाइल अलाउ नहीं है। क्या मुसीबत है, बापूजी को छुड़ाने आए थे, हम खुद अंदर हो गए। मेहता साहब क्या करें अभी? भगवान क्या होगा भाभी? कुछ नहीं होगा, शांति रखें, वो लोग आ जाएंगे। ओए टप्पू, तेरे दादाजी तो फेमस हो गए, टीवी पे भी आने लगे। अरे ओए गोगी चुप, क्या कुछ भी बोलते रहता है, बैठ चुपचाप। अरे दया भाभी, अभी अभी टीवी में देखा कि आपके ससुर चोर है। टप्पू के पापा को बहुत देर हो गई है, अब तक आए क्यों नहीं? हाँ आप जरा फोन कीजिए ना जेठा भाई को, पूछो ना क्या हुआ। अरे वही तो कभी से ट्राई कर रहा हूँ, फोन लगता ही नहीं है। जेठा भाई को ट्राई किया, मेहता जी को ट्राई किया, फिर भी ट्राई करता हूँ। टप्पू के पापा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। सॉरी भाई, भिड़े भाई, आप लोग वहाँ जाइए ना। ओ दया भाभी जी, आप चिंता मत करो, असली लोग अभी जाते हैं और चाचा जी और जेठा प्रा को छुड़ा के लाते हैं यूँ चुटकी में। बूढ़ी अपने पास बहुत टाइम है, रास्ते में बचा लेना तुम चुटकी। हाँ चलो। अरे सुनिए भिड़े भाई, बापूजी को लेकर ही आना, और अगर नहीं लेकर आए तो तुम मुझे ही जाना पड़ेगा ना। हाँ दया भाभी को पकड़ना, मेरा मतलब है संभालना, चल छोड़ी। हे भगवान, दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, वो लोग आ जाएंगे, हम है ना। वैष्णव जन तो तेन रे कही है जे, पीड़ पराई जाने रे। वाह बाबूजी वाह, एक बार और हो जाए। ये बाबूचक, ये भजन है कोई गजल नहीं है क्या? एक बार और, एक बार और। जग्गू हाँ जी, ये नरसिंह मेहता का भजन है, इसका मतलब है भगवान के करीब वही इंसान होता है जो दूसरों का दर्द समझता है। क्या बात है चाचा जी, अरे चाचा जी आपने तो पुलिस स्टेशन की इस कोठरी को मंदिर बना दिया है और हम सबको प्रेम और करुणा का महत्व समझा दिया। लेकिन ये बात जेठा समझे तब ना। बापू जी मैं अभी सब कुछ समझ गया हूँ, आज के बाद मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूँगा। ठीक है तो ये जग्गू को गैरेज खोलना है, उसके लिए उसे पैसे देने। मैं आपके पैसे कमा कमा कर लौटा दूंगा। मालूम है भाई, मालूम है, कोई पैसा वापस देता नहीं। बापूजी ऐसे लोगों को पैसे देने का कोई फायदा नहीं, बुरा मत मानना। क्या है वो ऐसे लोगों को पैसा देना मतलब गर्म तवे पे ऐसा पानी छिड़कना, वो पैसे कभी वापस आते ही नहीं है। और अभी बस बहुत हो गया, ये दान दान बापूजी, ये दान की वजह से तो हम लोग इधर जेल में पहुंच गए, और दान करेंगे तो सीधा फांसी पे चढ़ जाएंगे। जेठा, इंस्पेक्टर साहब, ये शेठ जी चोर नहीं है, ये तो देवता है। इंस्पेक्टर साहब आप चाहे तो मुझे अंदर डालिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। अरे इधर का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या? अरे तू है कौन? मैं वही हूँ जिसकी इन्होंने दुनिया बदल दी है। शेठ जी पहचाना मुझे? मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने वड़ा पाव का ठेला डालने के लिए पैसे दिए थे। अच्छा? आज ही मैंने ठेला डाला है। वाह। और उसका नाम भी आप ही के नाम से रखा है, चंपक शेठ का वड़ा पाव। ए, चल भाग यहाँ से। साहब ये चोर नहीं है, ये देवता आदमी है। मैंने कहा ना चल भाग निकल। साहब मैं कह रहा हूँ ये चोर नहीं है, ये निर्दोष है। हाँ हम सब निर्दोष है, आप बारा बोलिए ना। मैं हाँ हाँ हम सब निर्दोष है इंस्पेक्टर साहब। साहब छोड़ दीजिए ना। सकाराम इसको बाहर निकालो। सब सब नहीं बोल रहे, वो अरे भाई सब बोल रहे हैं।
काले साहब, मुझे तो पक्का डाउट है वो चोर नहीं है। शट अप। अगर अब किसी ने भी ये कहा कि ये आदमी चोर नहीं है तो मैं उसकी चमड़ी उतार दूंगा। चाचा जी, जेठा और मेहता साहब, आप भी? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये आपने क्या किया? ये आदमी चोर नहीं है। इन दोनों को अंदर डालो। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये तो हमारे चाचा चंपक जी हैं और साथ में वो जेठालाल और तारक मेहता जी हैं। अरे हम लोग सारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, ये लोग बिल्कुल चोर नहीं हो सकते। ये तुम मुझे सिखाओगे कि कौन चोर है कौन साहूकार? अरे नहीं मैं आपको एक मिनट छोड़ी, मैं बात करता हूँ, शांति से बात करता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ। अरे वाह, कुटली शाह? नहीं नहीं शाह नहीं, एक्चुअली मैं प्राइवेट ट्यूशन लेता हूँ। अच्छा, कुटले नाव नहीं शुरू के लिए? शट अप। मैं एक शिक्षक आपसे कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब कि ये आदमी चोर नहीं है। आप शिक्षक हैं? हाँ। आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा। ज्यादा चू चपड़ की ना तो दोनों को अंदर कर दूंगा। समझ रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैं सब समझ रहा हूँ। बेगुनाहों को आपने अंदर डाल के रखा हुआ और गुनाहगार बाहर खुले में घूम रहे हैं। सब समझ रहा हूँ मैं आपकी ये हरकतें। कानून मैंने भी पढ़ा होगा। शट अप। तुम मुझे कानून सिखाओगे? इन दोनों को अंदर डालो, दोनों को अंदर डालो। क्या बात क्या कर रही है? हम लोग अरे बिल्कुल नहीं, कुछ तो हमको छुड़ा नहीं है इधर। बंद होने आया तू? चुप, कोई आवाज नहीं है। इधर जगह पे डालो, इधर नीचे। अरे देखो मैं शिक्षक, खराब कर दिया है जब से आई थी। मैं एक शिक्षक हूँ, देखो। हेलो शिक्षक, रक्षक बनना आया था हमारा। रक्षक रक्षक शिक्षक नहीं। कमाल है, भिड़े भाई और सोड़ी भाई का अभी तक कोई मैसेज नहीं। देखो ना कोमल भाभी, अरे ये पुलिस स्टेशन है या राक्षस का पेट? जो जाता है वो वापस ही नहीं आता है। तो? आया फोन आया। हेलो, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। कौन सुंदर? मैं दया बहन का भाई सुंदर लाल बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दया बहन के भाई सुंदर लाल। एक मिनट बात कीजिए। हेलो सुंदर, मेरा वीरा बोल। माय डियर बेना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सब ठीक तो है ना? माँ को बहुत चिंता हो रही है। चिंता चिंता में 2 किलो तो मिठाई खा गई है बेना। अरे माँ को कहना कि चिंता ना करे, तुम्हारे जीजाजी पुलिस स्टेशन गए हैं। हाँ फिर तो जरूर गड़बड़ होगी बेना, सब संभालने के लिए मैं वहाँ आ जाऊँ? अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है फिर फोन करूंगी। आओ जी। वाह, मेरी माँ को भी चिंता होने लगी है। टप्पू, लगता है अब हमें ही पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हाँ मम्मी, अब बहुत इंतजार हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया वड़ा पाव है। आज ही धंधा शुरू किया है क्या? जी हाँ। अरे आज ही धंधा शुरू किया है तो खुश रहो, मुंह लटका के क्यों खड़े हो? क्या कहूँ सेठ जी, ये सेठ जी ने मेरे ये ठेला डालने के लिए पैसे दिए थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? एक बुढ़ा है, चोरी वो करता है और पुलिस ने पकड़ लिया हमारे सेठ को। कल रात से वो जेल में है। अगर वो चोर कहीं मुझे मिला ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे बहुत मारूंगा। सेठ जी एक बात कहूँ, मेरे सेठ आपके जैसे दिखते हैं। क्या हुआ, कुछ अच्छा नहीं लगा? कोई गलती हो गई मुझसे? गलती तो मुझसे हुई है। देखिए गिरफ्तारी को 12 घंटे हो चुके हैं लेकिन फिर भी चंपक लाल ने अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। जिस तरह भारत देश को आजाद करवाने के लिए जेल भरो आंदोलन हुआ था, उसी तरह चंपक लाल को आजाद करवाने के लिए जेल भरो आंदोलन हो रहा है। हे भगवान, ये दया यहाँ कहाँ आ गई? ये अभी इंस्पेक्टर साहब को उल्टा सीधा कहेगी तो हम सबको कम से कम 14 साल जेल में रहना पड़ेगा। 14 साल? और जब तक मैं जेल से बाहर आऊंगा तब तक तो मेरा गुग्गी ट्रक का ड्राइवर बन चुका होगा यार।
अरे नहीं छोड़ी नहीं, ये 14 साल का वनवास मैं नहीं सह सकता। अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। जब देखो तक हमारे जमाने में आप तो फैसला करके ही रहेंगे कौन से जमाने का है तुम। 14 साल का वनवास क्या राम भगवान के जमाने का है? अरे ओ इंस्पेक्टर साहब, इसको थर्ड डिग्री में अंदर लो और ये तय करके बाहर निकलना के कौन से जमाने का है। चल तू, चल तू, चल तू, चल। नहीं मैं नहीं जाऊंगा बाहर। चल निकल निकल, चल जा निकल। ए दया तू जाना, घर जाना भाई। नहीं, हम दादाजी को लिए बगैर नहीं जाएंगे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ, हम दादाजी को लिए बगैर नहीं जाएंगे। अरे पीड़े, ये तो सिर्फ चाचा जी को साथ ले जाएंगे, तो फिर हमें कौन बाहर लेके जाएगा? कले साहब, मेरी मानो, इनको छोड़ दो, ये चोर नहीं है। इंस्पेक्टर अंकल, टप्पू को चाबी दीजिए, टप्पू दरवाजा खोलेगा। नहीं नहीं, चाबी नहीं मिलेगी तो टप्पू ताला तोड़ देगा। दादा से पोते तक पूरा खानदान ही क्रिमिनल है। बिल्कुल सही कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा। ये है जेठालाल के संस्कार। अरे परसों इस टप्पू ने सोसाइटी का ताला तोड़ दिया था। 36 रुपए बाकी है उसके। अरे भिड़े, 40 रुपए छुट्टा निकल। क्यों? मैं 400 रुपए देता हूँ तेरे को। 360 में से है ना, तू 10 ताले लाना, उसमें से 1 सोसाइटी के ऑफिस में लगाना और बाकी के 9 अपने मुँह पे लगाना तू। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कानून के काम में दखल अंदाजी के आरोप में मैं तुम सबको अंदर कर दूंगा। ओ, कहां फंस गया? ऐसा केस तो मैंने पहली बार देखा है। देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है और इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। आज से शहर में कोई गुनाह नहीं होगा, सारे पुलिस वाले बेकार हो जाएंगे, सारे पुलिस थाने भी बंद हो जाएंगे और सरकार आपको गाय भैंस के तबेले की रखवाली के लिए रखेंगे। अरे इसका मुंह बंद करने के लिए कोई बटन है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब, 13 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई बटन नहीं मिला है। अरे बहू, तुम बच्चों को लेकर घर जाओ। बापूजी, आप सब लोग यहाँ हो तो हम घर में ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? सर देखा कितना अच्छा फैमिली है, वो चोर नहीं हो सकता है। Shut up! अगर ये चोर नहीं है तो फिर कौन चोर है? मैं हूँ चोर। जेठालाल ध्यान से देखो, ये तो वही अंकल है ना जो कल रात को हमको मिले थे। क्या है, कौन है तुम लोग? चैन से सोने दो ना। हाँ। मैं चोर हूँ साहब। क्या सबूत है कि तुम चोर हो? इसमें वो सारा सामान है जो मैंने चुराया है, आप देख लीजिए साहब। माफ करना, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। ठीक है, पर इस उम्र में चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे जरूरत रुपया पैसे की नहीं, रिश्ते नाते की है। मेरे बहू बेटे के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। जब केबल टीवी बंद हो जाता है, दिन में 10 बार केबल वाले से बात करते हैं लेकिन मुझसे बात नहीं करते हैं। जब घर में नया फर्नीचर बनवाना हो तो खाना पीना छोड़कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे बुखार है और दवाइयाँ लानी है तो मुंह बिगाड़ लेते थे। इसीलिए मैंने चोरियाँ की। मैं चाहता था कि मेरी खबर टीवी पे आए और वो लोग मुझे सुने और देखे। फिर जब मैंने देखा कि मेरी वजह से एक भला इंसान फंस गया है तो मुझसे रहा नहीं गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, ये बेगुनाह है, असली गुनहगार मैं हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। गोरे, ये सर, इन सबको छोड़ दो। तुकाराम, इसको अंदर करो। अरे
जल्दी खोलो भाई जल्दी। आइए सर, आइए आप भाई। बोल रहा हूँ। आइए सर, आइए आइए आइए। आ जाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। तुम लोग अंदर। चल तू भाई, चल सर आप आइए। चल अंदर। सब कुछ अच्छा हो गया। चंपक जी, एक रात जेल में बिताने के बाद अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक काम कर, तू खुद ही एक रात रह कर देख ले। आराम से, थोड़ी चाचा जी गिर जाएंगे। अरे बस भाई, बस बस, अभी नीचे उतारो। अरे क्या कर रहे यार? अरे नहीं नहीं, क्या नीचे उतारो, नीचे उतारो बाबू जी, आज तो खुशी का मौका है। आप आज जेल से निर्दोष छूट के आए। क्या बाबू चक, क्या निर्दोष छूट के आए? मैं निर्दोष ही हूँ। ये भाई, ये छोड़ी, अब हंसना बंद कर और मुझे नीचे उतार, वरना किसी को ऐसा लगेगा कि तू मुझे पोलियो की दवा पिलाने लेके जा रहा है। बाबूजी बहुत हंसाते हैं कभी कभी, नहीं? अरे चाचा जी, उठाने दो छोड़ी को, खुशी का मौका है। आप जेल से छूट के आए इसलिए उठा रहा है। डॉक्टर हाथी जेल से आते तो तू तू क्या? उतार दो। अरे उतार ना भाई अब। ए जेठा, आज सबके सामने तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। बोलिए बापूजी। कि आज के बाद तू हर महीने किसी भी एक जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। वाह, ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मंजूर है। लेकिन बापूजी मैं क्या बोलता हूँ कि हर महीने याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो एक काम करते हम लोग, क्या है 12 महीना का एक साथ में एक दिन नक्की करते, उस दिन एक साथ में दान कर देंगे। हा? तो मेरे हिसाब से एक डेट हम नक्की करते हैं, 30 फरवरी। ओ बिल्कुल। और जेठा बड़ा, तू तो बड़ा दानी निकला यार। रुक रुक, मैं कहता हूँ रुक जा। रुक रुक, 30 फरवरी है? 30 फरवरी? हाँ। ये कौन से कैलेंडर में आती है 30 फरवरी? अरे हाँ। बराबर, सॉरी सॉरी बाबू जी, 30 फरवरी तो होती ही नहीं है। बराबर सॉरी, 29 फरवरी। हाँ यार बाबू चाक, 29 फरवरी भी 4 साल में एक बार आती है। क्यों? ठीक है बापू जी, ठीक है, चलो आप बोलो वो दिन मैं दान करने को तैयार हूँ, बोलो। दादाजी मुझे एक आइडिया आया। क्या? हम दादी के बर्थडे के दिन दान करें तो? अरे वाह टप्पू वाह, तूने तो मेरे मन की बात कह दी है। दान करने के लिए इससे उचित दिन और कोई हो ही नहीं सकता। अरे तेरी दादी भी एकदम परोपकारी थी, हमेशा दूसरों के सुख में ही सुखी रहती थी। हाँ बापू जी, आपने बराबर बोला। वेरी गुड टप्पो। बराबर, माँ के जन्मदिन पर हम दान करेंगे हर साल। आप पक्का दान करोगे ना? हाँ, लिख के दो। नहीं नहीं चलेगा, तो मेरे वीरा सुंदर को फटफटी दिला दो। वो कितने दिनों से फटफटी लेने का सोच रहा है। मम्मी फटफटी नहीं, बाइक। हाँ हाँ वही बाइक। दया दान उसको दिया जाता है जिसको जरूरत होती है। तो सुंदर को जरूरत ही तो है। दया जेठा, दिला दूंगा बाइक, बस। चल चल, अभी खाना बना, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ 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 मम्मी, अब दादाजी भी आ गए, अब तो तुम खा लो। क्या मतलब? मतलब जब से आप गुम हो गए थे तब से मम्मी ने कुछ नहीं खाया। क्या बहू, चलो सबसे पहले तुम खाओगी, चल। हाँ बापूजी। और सुन, जरा फसला 4-5 आइटम बनाना, बाजरे की रोटी पे जरा मक्खन बक्खन लगा के, वो कढ़ी छाछ और बैंगन का भरता, और वो गुड़ में भी है ना घी डाल के जरा गरम करके देना। अरे इतना सारा खाओगे तो वजन और बढ़ जाएगा। हाँ तो बढ़ने दे। हाँ? अरे क्या बढ़ने दे, आपको तो वजन कम करने की जरूरत है। खबरदार, जो वजन कम करने की बात की तो। क्यों? क्या क्यों, ये वजन कम करने के विचार से तो हम लोग लॉकअप में पहुँच गए। क्या
और नहीं लगे बाबू जी। देखो वजन कम करने के चक्कर में मैं जॉगिंग पे गया तो मोबाइल चोर के पीछे भागा, मोबाइल चोर के पीछे भागा तो मेरे पैर में सूजन आ गई, पैर में सूजन आ गई तो मैं गाड़ी नहीं चला पाया। हम सब पिक्चर देखने टैक्सी में गए और टैक्सी में गए तो आपको वो कंबल दान करने का विचार है और कंबल दान के चक्कर में हम सब लोग लॉकअप में पहुँच गए क्या? नहीं अभी मैं ये सब खा सकता हूँ? कुछ समझ में नहीं आया, खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? खा सकता हूँ।